अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फरहीन और आप देख रहे हैं फॉर यू कुकिंग यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी फ्राइड चिकन बनाने की रेसिपी, जो कि मैं आपको बहुत ही सिंपल और इजी तरीके से इसे बनाना सिखाऊंगी। तो फिर चलिए देखते हैं ये फ्राइड चिकन बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। चिकन लिया है मैंने 500 ग्राम, ये बोनलेस चिकन नहीं है, ये हड्डियों के साथ ही मैंने लिया है। कॉर्नफ्लावर लिया है मैंने 3 टेबल स्पून और मैदा लिया है मैंने 2 टेबल स्पून। गरम मसाला पाउडर लेंगे हम 1 टीस्पून और हल्दी पाउडर लेंगे हम 1/2 टीस्पून। नमक लेंगे हम अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग, वैसे मैंने ये 1 टीस्पून नमक लिया है। रेड चिली पाउडर लिया है मैंने 1 टेबल स्पून और ये नींबू है जिसको मैंने आधा काट कर रख लिया है और ये थोड़ा सा मैंने रेड फूड कलर लिया है। तो ये चीज़ें चाहिए हमें फ्राइड चिकन बनाने के लिए। तो चलिए हम सबसे पहले अपने चिकन की मैरिनेशन कर लेंगे। तो चिकन मैंने ले लिया है, इसमें अब हम ये नमक ऐड करेंगे, रेड चिली पाउडर डालेंगे, हल्दी पाउडर, गरम मसाला पाउडर और ये आधा नींबू का रस हम इसमें डालेंगे। फूड कलर ऐड करेंगे, कॉर्नफ्लावर और ये मैदा भी इसमें डाल देंगे और ये अदरक लहसुन का पेस्ट मैंने 1 टेबल स्पून लिया है, जो मैं आपको पहले बताना भूल गई थी। तो ये सारा हम इसमें डालकर इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अगर ये आपको बहुत ज़्यादा ड्राई लग रहा है तो आप इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करके इसे अच्छे से मिक्स कर लें। देखिए चिकन में मसाला हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है, तो अब हम इसे रख देंगे 1 घंटे के लिए साइड में। लेकिन अगर आपके पास टाइम की कमी है तो आप इसे आधा घंटा भी रख सकते हैं, लेकिन मैं इसे पूरा 1 घंटा रखूंगी, क्योंकि जितना टाइम हम इसे देंगे चिकन में सारे मसालों का फ्लेवर उतना ही अच्छा आएगा। तो ये अब अच्छे से मिक्स हो गया है, तो इसे हम रख देंगे 1 घंटे के लिए। 1 घंटा हो चुका है और ऑयल भी मैंने अच्छे से गर्म कर लिया है, तो अब हम मीडियम फ्लेम पर चिकन को फ्राई कर लेंगे। तो एक एक करके हम चिकन के पीस उठाकर ऑयल में डालते जाएंगे। तो जितने इस कढ़ाई में आ सकेंगे पहले हम उतने फ्राई कर लेंगे और बाकी का बचा हुआ चिकन हम बाद में फ्राई करेंगे। चिकन हमारा एक साइड से फ्राई हो चुका है, तो हम इसकी साइड चेंज कर लेते हैं। तो इसकी साइड हमने चेंज कर ली, अब हम इसे दूसरी साइड से भी अच्छे से फ्राई करेंगे। चिकन को हमने दोनों साइड से अच्छे से फ्राई कर लिया है, इसे अब हम निकाल लेंगे एक प्लेट में। तो देखिए चिकन जो है हमारा बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही बढ़िया तरीके से फ्राई हुआ है। इसी तरह से हम बाकी का भी चिकन फ्राई कर लेंगे। तो बहुत ही मज़े का और बहुत ही टेस्टी हमारा चिकन फ्राई बनकर तैयार हो चुका है। तो मैं आपको दिखा देती हूँ कि ये ऊपर से कितना क्रिस्पी है और इसे मैं आपको तोड़कर भी दिखा देती हूँ। ये अंदर से बिल्कुल भी सख्त नहीं है, ये बिल्कुल ही सॉफ्ट और बहुत ही जूसी बना है। तो आप इसे किसी भी हरी चटनी या फिर सलाद के साथ सर्व कर सकते हैं। तो आप भी इस रेसिपी को ट्राई करें और अपना एक्सपीरियंस मुझे वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें। तो मिलते हैं किसी और रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।